नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 10 अक्टूबर की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी और अहम खबर की। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी घटना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को जयपुर में राहज भवन के पास बैठकर 3 घंटे मौन व्रत रखेंगे कांग्रेस नेता। लखीमपुर खीरी की घटना पर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग करते हुए देश भर में अभियान चलाने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता सोमवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी जयपुर में राजभवन के पास मौन व्रत रखेंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना अपडेट को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान में कोरोना के मरीज अब बहुत कम होने लगे हैं। शनिवार को पूरे स्टेट में केवल एक ही नया मरीज मिला है। आपको बता दें कि अक्टूबर में ये तीसरा मौका है जब राज्य में कोरोना का सिंगल केस आया है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या भी कम होकर 35 रह गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर में केवल एक केस सामने आया है, जबकि राज्य के शेष 32 जिलों में एक भी मामला पॉजिटिव नहीं आया है। राजस्थान की अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 3896 ग्राम विकास अधिकारी यानी BDO के पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के आवेदन की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब अभ्यर्थी 11 अक्टूबर रात 12 बजे तक आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि शनिवार रात तक थी, लेकिन बोर्ड ने ये तिथियां आगे बढ़ा दी हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने दिए पद छोड़ने के संकेत। मेवात में बुखार से वहीं आपको बता दें कि 25 दिनों में 12 मौतें। गुजरात कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भविष्य में मंत्री पद से हटने के संकेत दिए हैं। रघु शर्मा ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है, सदा हमारे पास है, तो मंत्री रहना मेरे लिए जरूरी नहीं है। मेरी पहली प्राथमिकता संगठन है और संगठन में काम करूंगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि 11 जिलों में नए शेड्यूल से बिजली कटौती शुरू। संभाग मुख्यालय पर आधा घंटा, जिला मुख्यालय पर 1 घंटा गुल रहेगी बिजली। वहीं आपको बता दें कि नगर निकाय क्षेत्रों में 2 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 6 घंटे नहीं मिलेगी बिजली। ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अजमेर, सीकर, उदयपुर, झुंझुनू, नागौर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों से बड़ी खबर है। कोयले की कमी के कारण गहराते बिजली संकट के बीच अजमेर डिस्कॉम ने नए शेड्यूल से बिजली कटौती शुरू कर दिए हैं। संभाग मुख्यालय पर आधा घंटा और जिला मुख्यालय पर 1 घंटा। वहीं आपको बता दें कि नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्रों में 2 घंटा बिजली गुल रहेगी। बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में 6 घंटे तक बिजली बंद रहने वाली है। ये सबसे बड़ी और अहम खबर है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग, आज फिर बढ़े दाम। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ICOCL ने 9 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल के दाम में जारी कर दिए हैं और बढ़ोतरी करते हुए आपको बता दें कि पेट्रोल के अंदर 31 पैसे प्रति लीटर और डीजल के 37 पैसे प्रति लीटर महंगा किया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान मौसम अलर्ट को लेकर बड़ी खबर। प्रदेश से विदा हुआ मानसून। प्रदेश से शनिवार को मानसून ने पूरी तरह से विदाई ले ली है। मानसून की विदाई के साथ ही मौसम में बदलाव हो रहा है। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के बाद शनिवार को आपको बता दें कि कोटा और उदयपुर संभाग से भी मानसून पूरी तरह से विदा हो चुका है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि प्रशासन के अभियान में बिजली का जुर्माना भी होगा माफ। 2 लाख डिफॉल्टर डोमेस्टिक कंज्यूमर पर 120 करोड़ बकाया। प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान में बिजली की समस्याओं का मौके पर ही समाधान होगा। कृषि और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का बिजली का बिल बकाया है या कनेक्शन कट चुका है, उनके लिए भी अभियान के दौरान स्कीम चलाई जा रही है। इनमें आपको बता दें कि 31 मार्च तक पूरा बकाया पेमेंट एक बार में करने पर कृषि उपभोक्ताओं को 100% और घरेलू उपभोक्ताओं को 50% पेनल्टी में छूट दी जाएगी। विद्युत निगम को इस स्कीम से बकाया राशि मिलने की उम्मीद है। बकायेदारों के लिए MSNET स्कीम 17 दिसंबर तक के लिए लागू है। MSNET योजना और VCR के बकाया प्रकरणों के निस्तारण के लिए किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए काफी फायदेमंद स्कीम है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि बिजली चोरी। 11 जिलों में अगर हर माह 27.51 करोड़ यूनिट चोरी हो रही है बिजली, तो इसे रोक दिया जाए तो आपको बता दें कि बिजली कटौती टल सकती है। बिजली संकट में अशोक गहलोत लोगों से बिजली बचाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अजमेर डिस्कॉम की बिजली चोरी के आंकड़े सौंकाने वाले हैं। डिस्कॉम के अधीन आने वाले 11 जिलों में ही हर महीने 2751.32 लाख यूनिट बिजली की चोरी और सीजत हो रही है।
औसतन आपको बता दें कि प्रति यूनिट 5 रुपये के हिसाब से माने तो आपको बता दें कि 4.58 करोड़ कीमत की बिजली हर दिन चोरी हो रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि इसे ही रोकने का प्रयास किया जाए तो अजमेर डिस्कॉम के 11 जिलों में 5 की बजाय मैच 1-1 घंटे की बिजली कटौती की जरूरत पड़ेगी। ये थी राजस्थान की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहिए आपके और अपने चैनल द सुगम के साथ।